वेलकम टू अचीव इट विद जोजो इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एन क्लास ट्वेल्थ मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस इलेवेंथ टू सिक्सटीन ओके इससे पहले हम थोड़ा सा फटाफट से रिकैप कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव रिलेशन का मतलब रिलेशन कब रिफ्लेक्सिव होता है कब सिमेट्रिक होता है कब ट्रांजिटिव होता है क्योंकि ये पूरी एक्सरसाइज में यही यूज़ हो रहा है ठीक है अगर रिलेशन में इस तरह का एलिमेंट ए ए टाइप का एलिमेंट प्रेजेंट हो तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है मतलब वो एलिमेंट खुद के साथ रिलेट कर रहा हो उस रिलेशन से ठीक है सिमेट्रिक कब हुआ जब ए बी रिलेशन आर से बिलोंग कर रहा हो और बी ए भी दिस इज ऑल्सो इंप्लाइंग कि बी ए भी आर से बिलोंग कर रहा है ट्रांजिटिव कब हुआ जब ए बी और बी सी दोनों बिलोंग कर रहे आर से और ए सी भी बिलोंग कर रहे रिलेशन आर से तो हुआ ट्रांजिटिव फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग टू ए ए बी सी यहाँ पर क्या है एलिमेंट्स है ए A के सेट A के ठीक है ओके अब क्वेश्चन नंबर इलेवेंथ से करते हैं स्टार्ट अब जो ये क्वेश्चन है ना इलेवेंथ टू सिक्सटींथ तक इसमें ना आपको क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझना है क्वेश्चन ईजी है पर समझना है पहले तो समझते हैं पहले क्वेश्चन को शो दैट रिलेशन आर इन सेट एफ पॉइंट इन द प्लेन अभी सेट किसका दिया हुआ है हमारे पास सेट एफ पॉइंट्स इन प्लेन प्लेन में किसी प्लेन में आपके पास पॉइंट्स है ठीक है ए किसका सेट है किसी प्लेन में बहुत सारे पॉइंट्स है पॉइंट्स ही पॉइंट्स है कोई भी पॉइंट ले सकते हो प्लेन का अब उन पॉइंट्स के बीच में जो रिलेशन है वो क्या रिलेशन है P एंड Q के बीच में जो रिलेशन है कोई पॉइंट P ले लो कोई पॉइंट Q ले लो उन दोनों पॉइंट के बीच में रिलेशन ये है कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन, पॉइंट P का डिस्टेंस ओरिजिन से पॉइंट P का डिस्टेंस ओरिजिन ले लेते कोई ये ओरिजिन ले लिया ओरिजिन से जो पॉइंट P का डिस्टेंस है वो सेम है इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट कोई पॉइंट क्यू है उसके सेम है मतलब कि ये जो डिस्टेंस है ना ओरिजिन से ओ पी ये किसके इक्वल है ओ क्यू के ठीक है मतलब कि इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो सेम है तो रिलेशन समझ आ गया दो पॉइंट्स के बीच में दो पॉइंट्स के बीच में रिलेशन ये है कि उनका जो ऑरिजन से डिस्टेंस है ना दो पॉइंट्स हमने इस तरह से चूज़ किया कि उनका जो रिलेश जो डिस्टेंस है ऑरिजन से वो सेम है ठीक है ये ऐसा कह रहे हैं इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन अब ये शो करना है कि अगर कोई प्लेन के जो पॉइंट्स है वो इस तरह का रिलेशन फॉलो कर रहे हैं तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन है मतलब कि सिमेट्रिक भी है ट्रांसिटिव भी है रिफ्लेक्सिव भी है तो फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट आगे क्या पूछा है अगला पार्ट में की शो दैट सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट पी मतलब कि सारे के सारे पॉइंट्स जो कि पी से रिलेट कर रहे हैं किस तरह से कि ओरिजिन पे नहीं होना चाहिए पी बस पी जो है वो ओरिजिन पे नहीं होना चाहिए ज़ीरो जीरो का मतलब यहाँ पे यहाँ पे नहीं होना चाहिए पी ये जो पी है इज़ द सर्कल पासिंग थ्रू पी इज़ द सर्कल वो जो है पॉइंट्स वो इस तरह से है कि वो एक सर्कल बना रहे पासिंग थ्रू पी पासिंग थ्रू पी से पास कर रहे हैं जो विद द ओरिजिन एज सेंटर और जिसका सेंटर सर्कल का सेंटर क्या है ओरिजिन है ठीक है मतलब कि पॉइंट्स ना कुछ इस तरह से सर्कल बना रहे हैं जो कि पी से पास हो रहा है पॉइंट पी से ठीक है अब अपने को क्वेश्चन समझ आ गया है तो दो पार्ट में डिवाइडेड है फर्स्ट इक्वे प्रूफ करना है सेकेंड सर्कल प्रूफ कर देना है कि जो कि पॉइंट पी के थ्रू पास कर रहा है ठीक है इक्वे के लिए अब देखो सबसे पहले तो हमें हमें लिख लेना है कि जो हमारा ये चीज लिख लेंगे सेट क्या है और रिलेशन क्या है ठीक है एज इट इज लिख देंगे ये सब कुछ ठीक है तो लिख देते हैं ये देखो ये हमने यहाँ पे लिख लिया क्या लिखा इज द सेट ऑफ पॉइंट्स इन प्लेन सेट लिख लिया पहले सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन प्लेन और आर लिख लिया डिस्टेंस ऑफ पॉइंट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन मतलब वही सेम लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक ठीक है रिलेशन भी लिख लिया नाउ अब इसको ना हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लेते हैं ये जो पूरी लाइन है मैथमेटिकल फॉर्म इसकी क्या बनेगी डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ओरिजिन ये डिस्टेंस क्या OP है ओ पी है ओ पी जो है किसके इक्वल है ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन ठीक है इसके इक्वल है इस डिस्टेंस के ओ क्यू के इक्वल है ठीक है जो हम पहले से ही बात कर रहे थे. और मॉड्यूलस ले लेते ले हैं क्योंकि डिस्टेंस पॉजिटिव में हो नेगेटिव में हो वो इक्वल ही है ठीक है इसमें तो वेयर ओ क्या है यहाँ पे ओ इज ओरिजिन ठीक है ऑरिजिन ऐसे लिख लो नाउ अब प्रूफ करने की तरफ चलते हैं सबसे पहले रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने के लिए पॉइंट पी का खुद के साथ वही रिलेशन होना चाहिए ठीक है अगर हम पी की जगह यहाँ पे क्यू लिखते तो इसका ये मतलब होना चाहिए कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ओरिजिन इज सेम एज़ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन अब पॉइंट पी का पॉइंट पॉइंट पी का जो डिस्टेंस है ना इसको हम कंपेयर कर रहे हैं इसके खुद के साथ ही है ना? तो ओ पी इक्वल टू ओ पी होगा कि नहीं होगा बिल्कुल होगा ओ क्यू की जगह हमने क्या रख देना है ओ पी क्योंकि ये पी क्यू के बीच में रिलेशन है ना तो क्यू की जगह हम क्या पुट कर देंगे पी चलो सिंस ओ पी इक्वल टू ओ क्यू ओ पी पी ही पुट कर रहे क्यू की जगह ये इक्वल होगा ना ये डिस्टेंस मतलब कि उस पॉइंट का खुद उ, उसी पॉइंट के साथ वो रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है ठीक है क्योंकि डिस्टेंस तो सेम होगा ओ पी का डिस्टेंस किसके इक्वल होगा खुद के इक्वल तो होगा ही ना वो डिस्टेंस तो मतलब हमारे पास रिलेशन क्या है रिफ्लेक्सिव है क्यों रिफ्लेक्सिव है क्योंकि देयर फोर क्योंकि पी पी जो पॉइंट है वो आर से बिलोंग कर रहा है फॉर ऑल पॉइंट्स पी बिलोंगिंग टू ए देयर फोर आर क्या है हमारे पास रिफ्लेक्सिव है राइट right? ऑल्सो अब नेक्स्ट चीज़ क्या है पी क्यू हमारा आर से बिलोंग कर रहा है इसका मतलब क्या होना चाहिए कि पी क्यू पी भी आर से बिलोंग करना चाहिए अब इसका मतलब पहले समझ लो कि इसका मतलब क्या है कि जो पॉइंट पी क्यू के बीच में जो रिलेशन है पी क्यू के बीच में क्या रिलेशन है कि पी का ओरिजिन से डिस्टेंस क्यू के इक्वल है ठीक है मतलब ये दोनों डिस्टेंस सेम है तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि इन दोनों का डिस्टेंस भी सेम होना चाहिए इसका और इसका अगर इसका और इसका डिस्टेंस सेम है ओरिजिन से तो इसका और इसका डिस्टेंस भी सेम होना चाहिए ना ओरिजिन से ठीक है ठीक है ये हम आपको लॉजिक समझ आ गया पर अब हम लिखेंगे कैसे वैसे ही पी क्यू से स्टार्ट करेंगे और क्यू पी पे पहुँचेंगे पी क्यू से स्टार्ट करेंगे तो पुट कर दो इसमें यहाँ पे ये है ओ पी इक्वल टू ओ क्यू रिलेशन तो यही है इसका मतलब इक्वल है बीच में तो मैं इसको इंटरचेंज कर सकती हूँ ओ क्यू इक्वल टू ओ पी इसका मतलब ये है ठीक है इसका मतलब क्या है कि Q और P रिलेशन से बिलोंग कर रहे इसका मतलब आ गया हमारे पास कि R सिमेट्रिक है ठीक है तो देखो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था और पहुँच गए यहाँ पे ओके चलो अब बच गया ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव के लिए क्या चाहिए होता है पी क्यू सेटिसफाई कर रहा है रिलेशन को क्यू टी सेटिस्फाई कर रहा है ठीक है टी कोई भी और तीसरा पॉइंट ले लिया हमने इसका मतलब क्या होना चाहिए कि पी टी भी सेटिस्फाई करना चाहिए अब इसका मतलब क्या है कि जो डिस्टेंस पी का ओरिजिन से है वो क्यू के ओरिजिन से डिस्टेंस के इक्वल है ठीक है इसका मतलब क्या होना चाहिए कि पी और टी भी सेटिस्फाई करने चाहिए रिलेशन को ठीक है अब यहाँ पे देखो एक सर्कल पे सारे पॉइंट्स के बीच का जो से डिस्टेंस है वो सेम होता है ठीक है यहाँ पे देखो ये टी ले लिया हमने कह दिया कि ये और ये सेटिस्फाई कर रहे हैं और ये और ये भी सेटिस्फाई कर रहे हैं तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि ये जो डिस्टेंस है वो इसके इक्वल है ठीक है ये चीज़ हम यहाँ पे दिखा रहे हैं तो इसको लिखेंगे कैसे प्रूफ कैसे करेंगे नेक्स्ट लेट पी क्यू बिलोंग टू आर ये ले लिया और ये ले लिया कि ये ट्रू है इसको हमने ट्रू कंसीडर कर लिया दिस आल्सो बिलोंग टू आर ठीक अब इसके लिए स्टेटमेंट लिख लो ये वाली और इसके लिए भी स्टेटमेंट लिख लो ये वाली ठीक है कैसे आएगा ये ओ पी पी है पहले इक्वल टू किसके ओ क्यू के एंड ओ क्यू है इक्वल किसके ओ टी के डन अब इसका मतलब ओ क्यू इक्वल है ओ टी के तो यहाँ पे मैं पुट कर सकती हूँ ओ टी ओ पी आ गया किसके इक्वल ओ टी के इसका मतलब क्या है पी और टी बिलोंग कर रहे रिलेशन से ठीक अब यहाँ पर देखो यहाँ से स्टार्ट किया था और यहाँ पे पहुंच गए देअर फोर आर क्या है हमारे पास इस ट्रांसिटिव अब हमारे पास रिलेशन सिमेट्रिक है ट्रांजिटिव है रिफ्लेक्सिव है तो क्या आर क्या हो गया इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ हो गया ये ठीक है अब नेक्स्ट पार्ट पे पहुंचते हैं इसके कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट पी इज अ सर्कल पासिंग थ्रू पी अब हम आपको ये दिखाने circle है कि भाई सर्कल है पास जो पी से पास कर रहा है तो लिख लो इसको सेट ऑफ पॉइंट्स लिख लेती हूँ अच्छा यहाँ पे लिख लिया है सेट ऑफ पॉइंट्स रिलेटेड टू पी नॉट इक्वल टू जी ऑरिजन ऑरिजिन नहीं होना चाहिए पी बस ठीक है क्योंकि हम आपको दिया है कि पी शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो ज़ीरो अब ये आप समझने की पहले कोशिश करो कि सर्कल पासिंग थ्रू पी कब होगा ये जो पॉइंट्स है वो पी से पास कर रहे हैं ठीक है ठीके? और ये सर्कल है ठीक है ऐसा कब होगा जब इन दोनों का डिस्टेंस सेम होगा इन सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस सेम होगा तो वो तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है कि ओ क्यू जो है वो इसके इक्वल है ठीक है तो स्टेटमेंट हम किस तरह से लिखेंगे हम Q पॉइंट कंसीडर करके चलेंगे कि अगर Q पॉइंट से जो पॉइंट्स uh, की रेंज निकल रही है Q ऐसे सर्कल पे क्या लाई कर रहा है जिसपे पी बी लाई कर रहा है ठीक है Q और P अगर एक ही सर्कल पे लाई कर रहे होंगे तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो सर्कल है वो पॉइंट P से पास कर रहा है ठीक है तो वो हम कैसे प्रूफ करेंगे यहाँ पे देखो Q बिलोंग कर रहा है हमारा A से इसका मतलब क्या है कि QP पी इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन ठीक है इसका मतलब यही है रिलेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं Q बिलोंगिंग टू A सच दैट इसका मतलब इसको हम लिख लेते हैं कि इसका मतलब क्या है रिलेशन का ओ क्यू जो है वो हमारा ओ पी के इक्वल है ठीक है ये डिस्टेंस इसका मतलब क्या है कि क्यू लाइज ऑन द सर्कल क्यू उस सर्कल पे लाइ कर रहा है दोनों का डिस्टेंस सेम है ना मतलब रेडियस सेम है दोनों का रेडियस सेम हुआ तो इसका मतलब दोनों के दोनों एक ही सर्कल पे लाई कर रहे हैं ये चीज लिख दो यहाँ पे लिख लिया क्यू लाइज ऑन द सर्कल थ्रू पी विदर ओ है हमने ये शो कर लिया अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ को पहले समझ लेते हैं क्या पूछा है हमसे शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्राइंगल सेट किसका है हमारे पास सारे के सारे ट्राइंगल्स का और उन ट्राइंगल्स के बीच में रिलेशन क्या है कि टी वन जो है वो सिमिलर है टी टू के अब इसमें प्रूफ करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है चलो यहाँ तक की बात कर लेते हैं अब आप खुद सोचो कि जो ट्राइंगल है वो एक दूसरे के सिमिलर है रिफ्लेक्सिव के लिए बात कर लेते हैं कोई ट्राइंगल खुद के सिमिलर तो होगा ही बिल्कुल होगा मतलब वो रिफ्लेक्सिव है साफ साफ पता चल रहा है ठीक है अब सिमेट्रिक की बात करते हैं T1 एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल के सिमिलर है T1 T2 के सिमिलर है तो इसका मतलब ये हो रहा है कि T2 भी T1 के सिमिलर है T2 जब T1 के सिमिलर है तो हम आपको पता चल गया कि ये जो हमारा रिलेशन है वो सिमेट्रिक है ठीक है ये भी हो गया अब ट्रांजिटिव के लिए सोचो ध्यान से सोचो कि T1 और T2 हमारे पास सिमिलर है T2 और T3 हमारे पास सिमिलर है थर्ड ट्राइंगल कंसिडर कर लिया ना हमने T3 ठीक है टी टू और टी थ्री भी सिमिलर है टी वन और टी टू भी सिमिलर है तीनों सिमिलर है तो इसका मतलब ये है ये हम कन्फ्यूजन निकाल सकते हैं यहाँ से हम बता सकते हैं कि टी वन जो है वो भैया टी थ्री के भी तो सिमिलर ही होगा सिमिलर होगा जब तीनों ट्राइंगल सिमिलर है तो इसका मतलब जो हमारा रिलेशन है वो ट्रांटि ट्रांसटिव भी हो गया अब रिफ्लेक्सिव है सिमेट्रिक है ट्रांसिटिव है तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो ये रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है ठीक है यहाँ तक हमने अभी तक सॉल्व कर लिया अपने माइंड में हमारा ये सॉल्व हो चुका है स्टेटमेंट देखेंगे बाद में अभी माइंड में हमारा ये सॉल्व हो चुका है नेक्स्ट आगे क्या बोलता है कंसीडर थ्री राइट एंगल ट्राइंगल्स टी वन जिसकी साइड्स दी हुई है टी टू जिसकी साइड्स दी हुई है टी थ्री साइड्स दी हुई है अब ये बताना है कि इनमें से कौन सा ट्राइंगल एक दूसरे से रिलेटेड है रिलेटेड का क्या मतलब है रिलेटेड से ये मतलब है कि T1 T2 के सिमिलर है इसका मतलब ये बताना है हमें कि इनमें से कौन से ट्रायंगल्स सिमिलर है साइड्स दी हुई है और सिमिलर बताने हैं ट्राइंगल्स अब जो तीन ट्राइंगल्स है वो सिमिलर कब होते हैं हमारे तीन ट्राइंगल्स सिमिलर दो कंडीशंस में होते हैं या तो उनकी दो दो ट्राइंगल्स की बात कर लेते हैं या तो उनकी जो साइड्स है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स उनका रेशो सेम हो ठीक है मतलब कि ऐसा हो कि ये इतने टाइम्स ये जो साइड है वो इसकी इतनी टाइम्स है ठीक है इनका रेशो जैसे ये साइड ए ले लो ए वन ले लो ए टू ले लो तो ए वन ओवर ए टू शुड बी इक्वल टू ये साइड्स भी सेम होनी चाहिए ये तीनों साइड्स का जो रेशो है ना वो सेम होना चाहिए अब रेशो सेम होगा ये बी वन ले लो ये बी टू ले लो ये सी वन ले लो ये सी थ्री ले लो बी वन ओवर बी टू सी वन ओवर सी टू ठीक है ये जो रेशो है वो सेम होना चाहिए ठीक है मतलब मान लो कि ये जो साइड है ना ये टू टाइम्स है इस साइड के ये साइड भी टू टाइम्स होनी चाहिए इस साइड की ये साइड भी टू टाइम्स होनी चाहिए इस साइड की तभी तो वो सिमिलर होंगे ठीक है या एंगल्स सेम होने चाहिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एंगल्स तो हमारे पास कुछ दिए वे ही नहीं है तो हम ये वाली कंडीशन ट्राई करेंगे सेटिसफाई करने की देखेंगे कि कौन से सेटिसफाई करिए चलो अभी पहले फर्स्ट पार्ट की इक्विवेलेंस रिलेशन है ये इसको प्रूफ कर लेते हैं प्रूफ कैसे करेंगे पहले वही लिख लेंगे कि हमारे पास जो सेट है वो ये है लिख लेते हैं ये हमने यहाँ पर लिख लिया क्या लिखा कि ए हमारे पास सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स है यहाँ से फुल्ली चेप दिया आर बिल्कुल ऐसा कैसा लिख दिया टी वन इज सिमिलर टू टी टू जो दिया हुआ था अब हमने लॉजिक दे दिया रिफ्लेक्सिव के लिए कि सिंस एवरी ट्राइंगल इज सिमिलर टू इट सेल्फ खुद से सारे के सारे ट्राइंगल सिमिलर होते तो आर रिफ्लेक्सिव है अब ट्रांजिट सिमिट्रिक के लिए हमने क्या रीज़न दे दिया कि टी वन टी टू सिमिलर है एक दूसरे के ये रिलेशन से बिलोंग कर रहा है इसका मतलब ये सिमिलर है यही स्टेटमेंट हमने यहाँ पे लिख दी और इसका मतलब क्या है कि ये इसके सिमिलर है लिख दिया इसका मतलब ये रिलेशन से बिलोंग कर रहा है ये रिलेशन से बिलोंग कर रहा है तो आर सिमेट्रिक है क्योंकि यहाँ से स्टार्ट किया था यहाँ पे पहुँच गए अगेन अब टी वन टी टू कंसीडर कर लिया टी टू टी थ्री कंसीडर कर लिया कि आर से बिलोंग करे इसका मतलब क्या है कि टी वन सिमिलर टू टी टू है एंड टी टू सिमिलर टू टी थ्री है ठीक है इसका मतलब क्या है कि जब T1 T2 के सिमिलर है और T2 T3 के सिमिलर है तो ये और ये भी तो सिमिलर होंगे ठीक है तो T1 वन इज सिमिलर टू टी इसका मतलब क्या है कि T1 T3 R से बिलोंग कर रहे हैं R से बिलोंग कर रहे हैं यहाँ से स्टार्ट किया था यहाँ पे पहुँच के इसका मतलब क्या है आर ट्रांजिटिव है और सिमेट्रिक ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव तीनों है तो इक्वल है अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं सेकेंड पार्ट में टी वन टी टू टी थ्री ट्राइंगल्स दिए हुए जिनकी साइड्स ये है ठीक है अब हमने बात की थी कि ये सिमिलर कब होंगे जब इनकी रेशो सेम होगी साइड्स की अच्छा थ्री ओवर फाइव यहाँ पे देखो आप इन दोनों ट्राइंगल्स को ऑब्जर्व करो थ्री ओवर सिक्स यानी कि वन बाई टू थ्री अपॉन सिक्स वन बाय टू होता है ना ठीक है और फोर अपॉन एट करो फोर अपॉन एट ये भी वन अपॉइंट टू हुआ फाइव अपॉन्ट टेन करो फाइव अपॉन्ट टेन करते ये भी वन अपॉइंट टू हुआ तो इनकी रेशियो सेम आ रही है इनकी क्या सेम आ रही है थ्री अपॉन फाइव थ्री अपॉन फाइव इक्वल टू फोर अपॉन ट्वेल्व फोर अपॉन्ट ट्वेल्व का मतलब है वन बाई थ्री ये तो यहीं पे सेम नहीं आ रहा ठीक है तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों जो ट्राइंगल्स हैं वो सिमिलर है ठीक है समझ आ गया तो लिख लो कि ये सिंस दिस इज इक्वल्स टू दिस इनकी जो रेशो है साइड्स की वो इक्वल है फाइव अपॉन टेन फोर अपॉन एट एंड थ्री अपॉन सिक्स ये इक्वल है देयरफॉर फोर ये किस ट्राइंगल के ये टी वन के रिस्पेक्टिवली लिखा है ना और ये टी टी थ्री के टी टू की तो ये देयरफॉर फोर टी वन इज सिमिलर टू टी थ्री ठीक है मतलब कि ये दोनों जो ट्राइंगल्स है वो सिमिलर है एंड नो अदर टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर ये आ गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर थर्टीन देखो इसको पहले समझते हैं यहाँ पे देखो शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगंस सेट किसका दिया हुआ है पॉलीगंस का सारे के सारे पॉलीगंस पॉलीगन क्या होते हैं जिस भी किसी शेप की साइड्स जो है ना थ्री होती है या थ्री से ज़्यादा होती है जैसे ट्रायंगल हो गया स्क्वायर हो गया पेंटागन हो गया आगे हेक्सागन हो गया ठीक है इनकी क्या होती है शेप जो है Uh, जिन इस तरह से होती है कि इनकी साइड्स थ्री या थ्री से ज़्यादा होती है इसमें कितनी साइड्स है वन टू थ्री साइड्स है इसमें कितनी है वन टू थ्री फोर इसमें कितनी है वन टू थ्री फोर फाइव तो इस तरह की सारी शेप्स जो होती है ना जिनकी साइड्स थ्री या थ्री से ज़्यादा होती है वो पॉलीगनस में आते हैं ठीक है ठीके? तो हमारे पास सेट क्या है सारे के सारे पॉलीगन्स का अब वो जो दो पॉलीगन्स है पी वन पी टू वो किस तरह से रिलेटेड है कि पी वन एंड पी टू हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स उनकी जो साइड्स है P1 वन पॉलीगन की और P2 टू पॉलीगन की वो सेम है जैसे ये P1 है ये P2 है इनकी तो सेम साइड्स नहीं है ना P1 और P2 की ये कोई पॉलीगन P1 है ये कोई पॉलीगन P2 है इनकी जो साइड्स है उनका नंबर सेम होना चाहिए ठीक है ये रिलेशन है दो पॉलीगंस के बीच में अब ये शो करना है कि ये जो रिलेशन है वो इक्वे रिलेशन है ठीक है तो आप पहले इसको समझ समझो देखो लॉजिक लगाओ अगर पॉलीगन P1 P1 वन पॉलीगन पी, वन पॉलिगन, पी से किस तरह से रिलेटेड है कि उनकी साइड्स सेम है ठीक है इक्वल होनी चाहिए उनकी साइड्स तो जो एक पॉलीगन मान लो ट्रायंगल कंसीडर किया हमने तो उसकी साइड्स खुद के इक्वल होगी ना ठीक है अगर हम ये पॉलीगन कर कंसीडर कर रहे हैं इसकी साइड्स क्या इसकी खुद की साइड्स के इक्वल होगी होगी बिल्कुल होगी इसमें थ्री है नंबर ऑफ साइड्स कितनी है थ्री है तो इसी की साइड्स थ्री होगी मतलब खुद से तो ये रिलेटेड है ही इस लॉजिक से ठीक है सेकंड देखो आप सिमेट्रिक के लिए सिमेट्रिक के लिए पी वन और पी टू की सेम नंबर ऑफ साइड्स है, मतलब थ्री थ्री है दोनों की इसकी थ्री है इसकी थ्री है ठीक है तो इसकी और इसकी साइड्स भी सेम हुई बिल्कुल हुई तो इस हिसाब से ये सिमेट्रिक भी है अब ट्रांजिटिव के लिए क्या है एक और पॉलीगन ले लेंगे हम इसकी साइड्स इसके इक्वल है इसकी साइड्स इसके इक्वल है तो इसकी और इसकी साइड्स भी इक्वल होगी है ना बात है ना इसकी थ्री साइड्स है इसकी भी थ्री साइड्स है अब इसकी थ्री साइड्स है इसकी भी थ्री साइड्स है तो इसकी इसकी भी थ्री ही साइड्स है ये इसलिए ट्रांसिटिव भी हो गया रिफ्लेक्सिव है ट्रांसटिव है, है तो रिलेशन क्या हो गया Equivalence, ठीक है इसको पहले यहाँ तक लिख लेते हैं और नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो है वट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल टी विद द साइड्स थ्री फोर फाइव अब इसको भी समझ ही लेते हैं सेट जो हमारी सेट के एलिमेंट्स है ना वो किस तरह से वो क्या होने चाहिए कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड हो जिसकी साइड्स समर को गिवन है अब आप लॉजिक लगाओ कि राइट एंगल ट्राइंगल किसी और पॉलीगन से रिलेटेड होने के लिए उसको क्या सेटिस्फाई करना चाहिए रिलेशन ये सेटिस्फाई करना चाहिए कि उसकी सेम नंबर ऑफ साइड्स हो इसमें ऐसा तो कुछ नहीं लिखा है कि भाई उनकी जो रेशो हो वो इक्वल होनी चाहिए सिमिलर होनी चाहिए नहीं सेम नंबर ऑफ साइड्स सेम होनी चाहिए तो मतलब कि सारे के सारे ट्रायंगल्स की नंबर ऑफ साइड्स थ्री ही होगी तो सारे के सारे ट्रायंगल्स रिलेटेड होंगे इससे ठीक है अब इसको हम स्टेटमेंटल फॉर्म में पूरा क्वेश्चन लिख लेते हैं कैसे लिखेंगे देखो ये देखो ये हमने लिख लिया है क्या लिखा है ए सेट ऑफ ऑल पॉलीगंस पिछले क्वेश्चन की तरह है। फिर रिलेशन लिख लिया पूरा का पूरा अब सिंस हमने बता दिया कि पॉलीगन P and P हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स एक पॉलिकन की उसकी खुद के साथ ही कंपैरिजन करोगे तो उसकी तो सेम नंबर ऑफ साइड्स ही आएगी मतलब कि पी पी आर से बिलोंग कर रहा है थे फोर आर क्या हो गया रिफ्लेक्सिव हो गया सेकंड अब सिमेट्रिक के लिए क्या था पी वन पी टू आर से बिलोंग कर रहा है बिल्कुल पी इसका मतलब क्या है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कि पी वन पी टू हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स लिख दिया पी वन पी टू हैव सेम नंबर ऑफ साइड अब इन दोनों की सेम नंबर ऑफ साइड है मतलब कि इन दोनों की भी होनी चाहिए पी टू एंड पी वन हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स यहाँ पे मैंने शॉर्टकट में लिख लिया इसका मतलब है यही चीज़ रिपीट हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स इसका मतलब पी टू पी वन आर से बिलोंग कर रहे हैं अब यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं तो मतलब रिलेशन क्या हो गया सिमेट्रिक हो गया अब ट्रांसिटिव के लिए क्या करते हैं हम पी वन पी टू एंड पी टू पी थ्री ये लाइट कर लिया कि ये ट्रू है ठीक है इसका मतलब क्या होना चाहिए कि P1 P2 की सेम नंबर ऑफ साइड्स है ये तो यही बता रहा है ना रिलेशन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एंड P2 P3 की भी सेम नंबर ऑफ साइड्स है ठीक है इसका मतलब कि इसकी और इसकी साइड्स सेम होगी है ना क्योंकि P2 की P3 के इक्वल है और P2 की किसके इक्वल है P1 के है ना तो मतलब P1 P3 की सेम नंबर ऑफ साइड्स है पॉलीगंस है यहाँ पे पी वन पी टू पी थ्री ठीक है तो पी वन पी थ्री आर से बिलोंग कर रहा है इसका मतलब यही निकला यानी कि यहाँ से स्टार्ट किया था यहाँ पर पहुँच गए रिलेशन क्या है ट्रांसिटिव है रिफ्लेक्सिव हो गया सिमेट्रिक हो गया ट्रांसिटिव हो गया तो इक्विवेलेंस रिलेशन है अब आगे अगले पार्ट में हमारे को क्या दिया था कि टी जो है राइट साइड ट्राइंगल था ठीक है राइट एंगल ट्राइंगल था विद साइड्स दी हुई थी पर साइड्स से तो हमारे हमें साइड्स के मैग्नीट्यूड से तो कोई काम नहीं है तो हमने टी को सिंपल ट्राइंगल कंसीडर कर लिया कि लेट टी बी द ट्राइंगल राइट एंगल हो सकता है वो कोई भी हो सकता है ठीक है लेट पी बी एनी एलिमेंट ऑफ और पॉली पी कोई भी पॉलीगन है ए से बिलोंग कर रहा है अब पी और टी के बीच में रिलेशन कब होगा पी बिलोंगिंग टू इज रिलेटेड टू टी इफ एंड ओनली इफ अगर इन दोनों की साइड सेम होगी पी और टी की जो नंबर ऑफ साइड्स है वो सेम होगी ठीक है तो देयर फोर सेम तो तभी होगी जब पी भी एक ट्राइंगल होगा तो देयर फोर पी क्या है एक ट्राइंगल है तो रिक्वायर्ड सेट ऑफ इज द सेट ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स इन ए ये आ गया हमारे पास आंसर क्वेश्चन नंबर फोर्टीन देखो ये भी बहुत ज्यादा इजी है पहले क्वेश्चंस की तरह यहाँ पे क्या है लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स सेट किस है सारी की सारी लाइन्स की है इन एक्स वाई प्लेन एंड आर बी द रिलेशन इन एल एस एल क्या है हमारे पास सेट जो है हमारे पास सारी लाइन्स है एक्स वाई प्लेन में अब उन लाइन्स के बीच में रिलेशन क्या है कि लाइन वन इज़ पैरल टू लाइन टू मतलब जो लाइन वन है वो पैरल है लाइन टू के ये रिलेशन है शो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन अब शो करना है कि आर जो है इक्विवेलेंस रिलेशन है मतलब कि सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव तीनों है अब सिमेट्रिक के लिए देखो लाइन वन खुद के ही पैरल होगी बिल्कुल होगी अब मतलब रिफ्लेक्सिव है सिमेट्रिक के लिए अब देखो लाइन वन लाइन टू के पैरल है तो लाइन टू लाइन वन के पैरल हुई कि नहीं बिल्कुल हुई सिमेट्रिक भी है अब ट्रांसिटिव के लिए लाइन वन लाइन टू के पैरेलल है ओके लाइन टू एक तीसरी लाइन के पैरेलल है तो ये लाइन और ये लाइन भी पैरेलल हुई हुई कि नहीं तो ये मतलब ट्रांसिटिव भी है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसिटिव तीनों है तो मतलब हमारा जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस है ठीक अब इसके नेक्स्ट पार्ट में क्या बोलता है फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू लाइन दिस अब हम आपको सारी की सारी ऐसी लाइंस का सेट बताना है जो कि इस लाइन से रिलेटेड है ठीक है इस लाइन से रिलेटेड कब होगा जब ये जो सेट है लाइंस का वो इसके पैरल होगा इसके पैरल कब होगा जब यहाँ पे यहाँ पे कोई भी कोई भी चीज़ हो सकती है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट मतलब यहाँ पे कोई भी सी होगा ठीक है क्योंकि जो न, कोई भी कांस्टेंट के लिए किसी भी कांस्टेंट के लिए पैरल हो सकती है इस लाइन के ठीक है मतलब कि आप कह दो कि जो लाइन की इक्वेशन होती है वो क्या होती है वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी दो लाइंस पैरल कब होती है जब ये चीज़ दोनों के लिए इक्वल होती है मतलब ये तो सेम ही रखना है हमें पैरल रखने के लिए ये सेम रखा और इसको चेंज करते रह गए इसका हमें कोई फर्क नहीं है ठीक है तो ये चीज़ हम पहले लिख लेते हैं ठीक है कि क्या क्या, क्या होगा स्टेटमेंटल पार्ट समझ तो आपको आ गया है स्टेटमेंट्स देख लो सबसे पहले वही लिख दिया कि एल हमारे पास क्या है सेट ऑफ ऑल लाइंस है एक्स वाई प्लेन में क्वेश्चन से ही आएगा ये तो आर जो है वो भी क्वेश्चन से ही आएगा रिलेशन बिटवीन टू लाइंस ठीक है अब एल वन इज पैरल टू एल टू इसको हम ऐसे लिख सकते हैं मैथमेटिकली एल वन इज़ पैरल अब फर्स्ट जो चीज़ है रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना उसके लिए एवरी लाइन कोई एल लाइन ले ली हमने वो खुद के पैरल होगी होगी कोई भी लाइन खुद के पैरल तो होती होती है ना तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया कि एल एल बिलोंग्स टू आर क्योंकि वो खुद के पैरल है तो आर क्या हो गया रिफ्लेक्सिव हो गया अब दो लाइंस कंसीडर कर ली एल वन एल टू पैरल है इसका मतलब एल टू एल वन भी पैरल है एल टू एल वन पैरल है तो मतलब कि ये रिलेशन इस तरह से हम लिख सकते हैं यहाँ से स्टार्ट किया है यहाँ पर पहुँच गए सिमेट्रिक हो गया नेक्स्ट एल वन एल टू तीन लाइन्स कंसिडर कर लिया ये पैरल है एक दूसरे के यानी ये रिलेशन से बिलोंग कर रही है एंड ये दोनों पैरल है एक दूसरे के यानी ये रिलेशन से बिलोंग कर रही है इसका मतलब ये ये ठीक है रिलेशन के अकॉर्डिंग लिख लिया अब ये लाइन इसके पैरेलल है ये इसके पैरेलल है ये इसके पैरेलल है तो इसका मतलब ये और ये भी पैरेलल हुई ठीक है तो यहाँ पे ये लिख दिया कैसे लाइन वन लाइन टू के पैरेलल है और लाइन टू लाइन थ्री के पैरेलल है तो ये लाइन ये लाइन भी पैरेलल है ठीक है तो ये आ गया ट्रांजिटिव अब आर इक्विवेलेंस आ गया क्योंकि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है सिमेट्रिक है ट्रांजिटिव भी है अब नेक्स्ट चीज़ क्या थी कि हमार को इस जो लाइन की इक्वेशन है इससे रिलेटेड लाइंस बतानी थी कौन सी है रिलेटेड लाइंस का मतलब क्या है लाइन इज रिलेटेड टू लाइन विद दिस इसका मतलब क्या है कि जो एल लाइन है वो पैरेलल होनी चाहिए थी इसके पैरेलल कब होगी अगर लाइन की जो इक्वेशन है वो ये होगी टू एक्स प्लस सी मतलब यहाँ पे सी कुछ भी हो सकता है वेयर सी कुड बी एनी आर्बिट्ररी कॉन्सटेंट आर्बिट्ररी मतलब अपनी मनमर्जी से कोई भी कांस्टेंट ले सकते हैं ठीक है तो ये आ गया हमारा आंसर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन एम सी क्यू टाइप क्वेश्चन है ये चूज करना है करेक्ट आंसर लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट वन टू थ्री फोर गिवन बाय चूज द करेक्ट आंसर अच्छा अब इस रिलेशन को देखो ये आपको रिफ्लेक्सिव दिख रहा है वन वन है टू टू है थ्री थ्री है फोर फोर भी है हाँ ये रिफ्लेक्सिव है सिमेट्रिक दिख रहा है वन टू है टू वन है क्या कहीं पे टू वन नहीं है नो नहीं है तो मतलब ये सिमेट्रिक तो नहीं है अब ट्रांजिटिव के लिए देखो वन टू है टू किसी के साथ रिलेट कर दो टू वन है ठीक है वन टू है टू टू किसके साथ रिलेट कर रहा है टू कर रहा है टू के साथ रिलेट वन टू है बिल्कुल है, है इससे तो हो गया अच्छा एक और चीज़ चेक कर लेते हैं वन थ्री के लिए चेक कर लो वन थ्री है थ्री का रिलेशन टू के साथ है थ्री के साथ भी है थ्री टू कंसीडर कर लो वन टू का रिलेशन है क्या है बिल्कुल है तो मतलब रिलेशन हमारे पास क्या है रिफ्लेक्सिव है सिमेट्रिक तो नहीं है बट ट्रांजिटिव है तो ये ऑप्शन किस में है बी में दिया हुआ है आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक ठीक है अब क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन देखो क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन में दिया है लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन एन है नेचुरल नंबर कोई भी नेचुरल नंबर है मतलब सेट एलिमेंट्स. गिवन बाय आर इक्वल टू ए बी सच दैट अब दो नंबर्स के बीच में दो नेचुरल नंबर्स के बीच में क्या रिलेशन है कि ए इज़ इक्वल टू बी माइनस टू मतलब कि ए जो है वो दूसरे नंबर से टू तो टाइम्स छोटा है पर बी जो है वो सिक्स से ग्रेटर होना चाहिए तो चूज़ करो करेक्ट आंसर कौन सा है अच्छा सबसे पहले तो देख लेते हैं कि बी सिक्स से बड़ा कहाँ पे है ए में तो सिक्स से बड़ा नहीं है क्योंकि फोर तो सिक्स से बड़ा है नहीं बी सिक्स से बड़ा है ठीक है सी भी सिक्स से बड़ा है डी भी सिक्स से बड़ा है ठीक है अब तीन चॉइसेस बच गई है हमारे पास अब ए ए और बी में कैसा रिलेशन है कि ए है बी माइनस टू अब बी बी करते हैं एट माइनस टू हुआ सिक्स सिक्स और एट होना चाहिए था बट ये तो नहीं है सी में देखते हैं सी में एट माइनस टू सिक्स है सिक्स और एट है मतलब कि सी जो है वो करेक्ट आंसर है डी भी चेक कर लेते हैं सेवन माइनस टू तो भैया फाइव होता है या तो एट दिया है ठीक है तो सी आ गया हमारा इसका करेक्ट आंसर होपफुली आपको इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए वो सारे समझ आए हो अगर समझ आए हैं तो प्लीज़ लाइक करें शेयर करें वीडियो को और अपने कमेंट्स कमेंट्स जरूर बताएं कमेंट्स में और सब्सक्राइब जरूर करें बाय बाय